नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। अभी मैं मौजूद हूं अयोध्या में और आप जो देख सकते हैं सुंदर सा गेट बना हुआ है अयोध्या में। यह हनुमत यज्ञ का मुख्य द्वार है और इसी द्वार के अंदर यज्ञ हो रहा है और यह यज्ञ 22 तारीख को ख़त्म होंगे। आप देख सकते हैं कि कई तरह के लोग, बच्चे बूढ़े इस यज्ञ में आए हुए हैं और श्री राम के जयकारों के साथ यह परिसर, यह यज्ञ गूंज उठा है। और इसी यज्ञ के समापन जब 22 तारीख को होगा उसी दिन राम लला विराजमान होंगे, यानी राम, प्रभु राम के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये यज्ञ स्थल का अंदर का दृश्य है। जब हम प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह यज्ञ का वो स्थल है जहाँ पर हनुमत यज्ञ हो रहा है, हनुमान जी का यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ के समापन के बाद ही श्री राम लला पधारेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी अपने परिसर में, उनके मंदिर में। तो आप देख सकते हैं कि यह मुख्य द्वार है और आप देख सकते हैं कि स्वामी राम भद्राचार्य जी के द्वारा यह अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह ऐतिहासिक यज्ञ कराया जा रहा है और यह 75वां जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा है श्री राम भद्राचार्य के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि यह लगभग कई बीघा में क्षेत्रों में यह यज्ञ कराया जा रहा है और 1008 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में 1008 कुंड है और सभी कुंड पर जोड़ा बैठे हुए हैं, सिंगल किसी का नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यही वह रामलला का मंदिर है जिसकी प्रतिमा, जिसका चित्रण यहाँ पर यज्ञ में किया गया है इसको शोभा बनाए कर रखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यह यज्ञ का स्थल है, यह यज्ञ का वह पंडाल है। 1008 कुंडीय यज्ञ है जहाँ पर यहाँ पर हवन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हवन चल रहा है। और 22 तारीख को जब ये हवन समाप्त होंगी, पूर्णाहुति होगी, उसी दिन राम लला विराजमान होंगे। तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से साधु महात्मा यहाँ पे आए हुए हैं। राम भद्राचार्य के साथ साथ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित यहाँ पे आए हुए हैं और हवन यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे ही 22 तारीख को यहाँ पर यज्ञ समापन होंगी, यहीं से मंत्रों उच्चारण के साथ साधु महात्मा वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप देख सकते हैं 1008 कुंडीय यज्ञ कितना ही भव्य है और यह बनाया गया है और यहाँ इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और जो राम भद्राचार्य के शिष्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, वे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। और कहते हैं कि किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पहले महायज्ञ की होता है और उसी महायज्ञ का आयोजन राम भद्राचार्य ने किया है। और बताया जाता है कि यह हनुमत यज्ञ है और कहा जाता है कि बिना हनुमान के बिना राम जी नहीं पधार सकते हैं, इसीलिए हनुमत यज्ञ कराया जा रहा है। और स्वयं राम भद्राचार्य उस दिन विराजमान रहेंगे और यहीं से जब पूर्णाहुति होगी, जिस दिन यज्ञ का खत्म होगा 22 तारीख को पूर्ण भंडारा होगा, यहीं से सभी लोग जाएंगे और मंत्रों उच्चारण के साथ वहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। बताया जाता है कि इस यज्ञ में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित देश के कई विद्वान, कई साधु महात्मा इस यज्ञ में आएंगे और यहाँ से शामिल होने के बाद ही जब इस यज्ञ का समापन होगा, पूर्णाहुति होगी 22 तारीख को, तो यहीं से वहाँ पर जा करके लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यज्ञ में के खत्म होने के बाद वहाँ पे हनुमान गढ़ी के समीप जाएंगे और वहाँ पर श्री रामलला विराजमान होंगे।